हेलो एवरीवन, क्लास नाइन्थ। टुडे आवर टॉपिक इज़ मनी। मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स के। कल हमने आप लोगों को मनी के बारे में डिस्कस किया था, मनी के डेफिनेशन समझाए थे आप लोगों को कि क्या है मनी, इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कहा जाता है, किस तरह मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना हुआ है, मनी की क्या क्या वैल्यूज़ हैं वो समझाया था आप लोगों को कल। आज यहाँ पे एक टॉपिक है डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड, वो नहीं समझाया आप लोगों को। फॉर एग्जांपल, अगर देखा जाए तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग्स के बेसिक नीड्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमारा अगर बेसिक नीड्स फूड हो, शेल्टर हो, क्लोथ, जैसे हमारे बेसिक नीड्स हैं। उसके बावजूद भी हमारे बहुत सारे मल्टीप्लिसिटी ऑफ नीड्स हैं, यानी बहुत सारे नीड्स हैं, तरह तरीके के वॉन्ट्स हैं, तरह तरीके के चाह होते हैं हमारे। आप लोगों के बुक में भी एग्जांपल दिया हुआ है, अगर किसी क्लोथ मर्चेंट का अगर एक केस ले एग्जांपल ले ले तो वो ये चाहते हैं कि क्लोथ को बेचें और राइस ख़रीदें। तो उन्हें क्या करना पड़ता है कि क्लोथ मर्चेंट को पहले तो सबसे पहले उन्हें एक्सचेंज करना पड़ेगा क्लोथ को, और क्या करना पड़ेगा, क्लोथ को कहीं जगह जाके सेल करना पड़ेगा और वहाँ से पैसे लाना पड़ेगा। फिर इसके बाद उस पैसे से वो क्या ख़रीद सकता है, राइस ख़रीद सकता है। जबकि क्या है, और टू ऑब्टेन मनी, मनी को लाने के लिए फर्स्ट ही पहले क्या हुआ, ही हैज़ टू फाइंड अ राइस ग्रोइंग फार्मर। सबसे पहले तो उन्हें राइस ग्रोइंग फार्मर ढूंढना पड़ेगा जो विलिंग हो, यानी राइस को बेचने के लिए विलिंग हो। अगर विलिंग नहीं हो तो उन्हें दूसरी जगह जाके उन्हें देखना पड़ेगा। इमेजिन कर सकते हैं हम कि कितना डिफ़िकल्ट है एक मर्चेंट को कि वो क्लोथ को एक्सचेंज कर सकते हैं डायरेक्टली राइस से, बिना मनी को इस्तेमाल करके। ठीक है, तो मनी का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से वैल्यू ऑफ मनी आप लोगों को समझा देते हैं। ठीक है, उन्हें क्या करना पड़ता है, वुड हैव टू फाइंड अ राइस ग्रोइंग फार्मर। सबसे पहले तो उन्हें राइस ग्रोइंग फार्मर ढूंढना पड़ेगा जो विलिंग हो खासकर अपने राइस को सेल कर सके और एक्सचेंज करें क्लोथ को। टू पुट इन सिंपली, बोथ पार्टीज वी हैव एग्री टू बाई एंड सेल द कम्युनिटीज ऑफ ईच अदर। ठीक है, सिंपली अगर देखा जाए तो दोनों पार्टी अगर एग्री हो बेचने के लिए और ख़रीदने के लिए कम्युनिटीज दूसरा, जैसे कि यहाँ पे खासकर राइस और क्लोथ की बात हो रहा है, ठीक है, उसी प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंट ऑफ वॉन्ट। ठीक है, डबल कोइंसिडेंट ऑफ ये कि क्या एक आदमी को डिज़ायर है बेचने का एग्जैक्टली, वो खासकर दूसरा जो है, जो दूसरा है वो खासकर उस चीज़ को बाय करने की क्या बोलते हैं उसको, विशेष है, उसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंट ऑफ वॉन्ट। यानी व्हाट अ पर्सन डिज़ायर्स, जो पर्सन चाहते हैं टू सेल यानी कोई भी चीज़, एग्जैक्टली व्हाट अदर विश टू बाय, इसी को डबल कोइंसिडेंट ऑफ। अर्ली टाइम पे वही होता था कि प्रॉब्लम्स यही है थी कि सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी वर सॉल्व इन द बार्टर सिस्टम। में अगर हम सॉल्व किया तो बार्टर सिस्टम में यही होता था कि गुड्स को एक्सचेंज किया था, कोई भी सामान एक्सचेंज करते थे खासकर दूसरे गुड्स को, यानी कोई भी सामान हो। फॉर एग्जांपल, किसी के पास एनिमल्स होता था तो वो एनिमल्स को ले जाकर अनाज खरीदते थे। तो इस तरीके के बहुत सारे खासकर चीज़ होता था, इसको बार्टर सिस्टम कहा जाते थे। तो ये एक मेन प्रॉब्लम्स बन गया था। ठीक है, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वॉन्ट, तो उसको डबल कोइंसिडेंट ऑफ वॉन्ट को ख़त्म करने के लिए मनी की वैल्यू को बढ़ाया गया, मनी को इस्तेमाल किया गया। कल मनी को आप लोगों को समझाया था, तो आज हम फिर से आप लोगों को थोड़ा एवोल्यूशन ऑफ मनी समझाएंगे कि किस तरह मनी को एवोल्यूशन, मनी की एवोल्यूशन हुआ है, यानी पैसे की एवोल्यूशन हुआ है। डेवलपमेंटल स्टेज अगर देखा जाए तो अलग अलग वेरियस खासकर स्टेज है, वक़्त के साथ, जगह के साथ, अलग अलग सरकमस्टेंस है, प्रोग्रेस किया गया है इकोनॉमिक सिविलाइजेशन में, लोगों के अंदर अलग अलग स्टेजेस है एवोल्यूशन ऑफ मनी के अंदर। लाइक सबसे पहले है एनिमल मनी, यानी एनिमल मनी का मतलब ये कि प्रिमिटिव टाइम पे, पुराने टाइम पे हंटिंग जब किया जाता था, हंटिंग एंड गैदरिंग के टाइम पे, उस वक़्त एनिमल्स ही एक मेन कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना था। यानी बहुत सारे लोगों के पास सिर्फ एनिमल हुआ करते थे जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कुछ ऐसे सिविलाइजेशन ऑफ
लोग थे जो खासकर खेती बाड़ी करते थे, उनको एनिमल्स की खेती बाड़ी क्या करता था, एनिमल्स की एक्सचेंज से, खेती बाड़ी से जो जो भी क्रॉप्स मिलते थे वो उन्हें लाते थे। ठीक है, सो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो केटल ने एक अच्छा जगह खासकर ले लिया था, ठीक है, मनी के लिए, यानी एक्सचेंज ऑफ मनी के लिए। उस वक्त केटल्स को एक्सचेंज ऑफ मनी के लिए रखा जाता था। प्रेजेंट टाइम पे भी, आजकल के टाइम पे बहुत सारे जगहों पे, लाइक अफ्रीका जैसे जगहों पे, एशिया के सम ट्राइबल सोसाइटीज़, अफ्रीका के कुछ ट्राइबल सोसाइटीज़ आज भी कंसीडर ये करते हैं कि एनिमल इज़ द मोस्ट प्रेशियस एसेट जो उन्हें हेल्प कर सकता है, लाइक द बटर एक्सचेंज की तरह, जो पहले बटर एक्सचेंज करते थे। ठीक है, धीरे धीरे इसके बाद क्या आया, कमोडिटी मनी आया। ठीक है, कमोडिटी मनी, यानी कमोडिटी मनी में ये था कि अलग अलग पर्टिकुलर कम्युनिटी चॉइस करते थे एक्सचेंज ऑफ मनी को, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे गुड्स को चॉइस करते थे। लाइक अफ्रीका के लोग ज़्यादातर टाइगर जॉ को चॉइस करता था मनी एक्सचेंज के लिए। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो आजकल पेपर मनी एंड कॉइन्स हैं, पेपर मनी और कॉइन्स के अलावा और कुछ नहीं लेते हैं आजकल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए मनी। सेम चीज़ में वहाँ पे भी कमोडिटी ऑफ मनी में भी कुछ ऐसे कमोडिटीज़ था जो अपने हिसाब से उन्होंने मनी ऑफ एक्सचेंज के लिए कुछ चीज़ें रखा था। ठीक है, लाइक बहुत सारे ऐसे प्रेशियस स्टोन्स था, राइस लेते थे, टी, टबैको, बहुत सारे ऐसे प्रिमिटिव टाइम पे ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर कमोडिटी मनी भी एक्सचेंज हुआ करता था। ठीक है, धीरे धीरे फिर इसके बाद मेटेलिक मनी आया। ठीक है, मेटलिक मनी के बाद पेपर मनी आया है। मेटलिक मनी को लाइक मेटलिक मनी अगर देखा जाए तो धीरे धीरे लोगों ने डिस्कवर किया गोल्ड का, सिल्वर का, गोल्ड सिल्वर कॉपर हो, ब्राउन्स हो, उन्होंने धीरे धीरे कमोडिटी ऑफ जो कमोडिटी कमोडिटीज़ थे उन्हें उन पर रिप्लेस कर दिया मनी के जगह पर, जैसे कि गोल्ड की एक्सचेंज करना, किसी के पास गोल्ड होता तो उसका अच्छा मिलता था, यानी सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज हो तो उसके हिसाब से उन्हें दूसरी चीज़ें मिला जाता। तो इन कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज को भी अब धीरे धीरे लोगों ने एक मीडियम बनाया एक्सचेंज का, यानी मनी के तौर पे मेटल्स को भी इस्तेमाल किया उन्होंने। सो दिस इज़ कॉल्ड द मेटलिक मनी। अब धीरे धीरे 17 सेंचुरी से, 18 सेंचुरी से पेपर करेंसी धीरे धीरे आना शुरू हो गया मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के तौर पर। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आज तक भी जो चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा इजी टू कैरी था, यानी सबसे ज़्यादा उठाने में बहुत आसान था, ले जाने में आसान था बहुत सारे खासकर। तो पेपर मनी सबसे ज़्यादा खासकर 17-18 सेंचुरी से आया, एग्जिस्ट करता है आज के टाइम पे भी पेपर मनी, उनसे मॉडर्न टाइप ऑफ मनी कहा जाता है। कल आप लोगों को हम समझाएंगे फिर से कि व्हाट इज़ द मॉडर्न टाइप ऑफ मनी वी हैव करेंसी। कल समझा था आप लोगों को मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, कल आप लोगों को समझाएंगे जिसमें हमें पेपर मनी एंड कॉइन्स आएंगे, प्लास्टिक मनी आएंगे लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो सब आप लोगों को कल समझा देंगे हम दूसरे वीडियोस में। ठीक है, थैंक यू सो मच।